और वेद प्रकाश सोनी को टिकट नहीं मिलना चाहिए, ये इसीलिए हम अब जाएंगे, जाए पहले जाए और जाएंगे अंदर जाए। अब आए हम तो अभी आए हैं, चाहते हैं कि स्थानीय आदमी को किसी को भी कांग्रेस पार्टी टिकट दे। ये बाहर से आए, चुनाव जीता, कार्यकर्ताओं का शोषण किया, कार्यकर्ता पूरी तरीके से त्रस्त। आज कार्यकर्ता किसी का भी फोन नहीं उठाते हैं। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी के लोगों काम होते हैं 100%। बीजेपी के लोगों को एमएलए साहब भाषण में कहते हैं कि बीजेपी के किसी बंधु का काम हो तो बताना, और कांग्रेस के कार्यकर्ता वो फोन नहीं उठाते। इनका विरोध इतने भयंकर तरीके से है, तीनों प्रधान बीजेपी के बने हैं चाकसू में, जिला प्रमुख में। इन्होंने कांग्रेस के पार्षद को बेचकर बीजेपी का वोट बना दिया। भाई साहब पूरे तरीके से हर अधिकारी भ्रष्टाचारी है। इनके पास इनकी कौन सी फैक्ट्रियां चल रही है जो इनके पास 150 बीघा जमीन कम से कम चाकसू में है, और फार्म हाउस पे हम ये चाहते हैं कि हमारे स्थानीय आदमी को कांग्रेस पार्टी किसी को भी नियुक्त करे, हम उसे जिताकर 100% भेजेंगे। पर वेद सोलंकी को चाकसू से भगाएंगे। अगर इनको कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया तो इनकी 100% जमानत जब्त होगी। मेरा नाम सचिन शर्मा है, मैं चाकसू से हूँ।